हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब्सिडरी बुक का लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कल मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 10 होमवर्क दिया था, होपफुली हो गया होगा। कोई इशू है तो बताओ किसी का। 8 और 10 इलस्ट्रेशन में, 9th इलस्ट्रेशन बेटा हम कर रहे थे और लगभग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा 60% कह दो हमने क्वेश्चन कर लिया था। 40% बकाया है, आज ही करेंगे, अभी खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो बच्चे कल एब्सेंट थे उनके लिए एक इन्फो, बड़े काम की इन्फो है, सुन लेना। बाबू मेरे पास इसके बाद हाफ ईयरली तक सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल चैप्टर रहता है जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम प्यार से BRS बोलते हैं। शायद सुन लोगे किसी टीचर के मुंह से भी, ठीक है ना। वैसे मुझे ये भी पता है आपका स्कूल अभी बहुत पीछे है मुझसे, बहुत ज़्यादा पीछे। मेरे पास एक BRS एक चैप्टर बचता है, उसके बाद बेटा थियोरेटिकल चैप्टर है मेरे पास 4 या 5। चलेंगे अब हम किस सीक्वेंस से बेटा। कल एक चैप्टर रिवाइज होगा, फिर एक नया चैप्टर होगा, फिर एक पुराना चैप्टर रिवाइज होगा, फिर एक नया चैप्टर होगा। अब चलेंगे हम हमेशा इसी तरीके से। जब मैं बोल रहा हूँ ना एक चैप्टर रिवाइज होगा, कल मैं एक ही दिन में सारी बेसिक अकाउंटिंग काम करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद BRS नहीं कराऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन करा दूंगा, उसे मैं गिनूंगा, एक हो गया। बेसिक अकाउंटिंग काम को तो मैं चैप्टर गिनता ही हूँ, एक ही दिन में कराऊंगा। लेकिन सारी 12-15 मैंने जितनी भी लिखवाई हुई है, एक ही दिन में सारी कराऊंगा बेसिक अकाउंटिंग काम जो 3 लेक्चर में करी थी हमने, ठीक है ना जी। उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, 4-5 लेक्चर उस पर लगाएंगे। उसके बाद बेटा सीधा का सीधा शिफ्ट कर जाएंगे हम BRS पर, ठीक है जी। फिर एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, मान लो जर्नल कराऊंगा, फिर कराऊंगा एक थियोरेटिकल चैप्टर, फिर लेक्चर कराऊंगा थियोरेटिकल चैप्टर, ट्रायल बैलेंस कराऊंगा थियोरेटिकल चैप्टर, ठीक है जी। कोशिश करूंगा सब कुछ रिवाइज हो जाए। ऑल दो बड़े रेयर होगा ऐसा कि 100% सिलेबस रिवाइज हो जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक आध चैप्टर रह भी सकता है, ठीक है जी। अब बाबू छुट्टी का स्कोप नहीं है, ये समझो बेटा हाफ ईयरली सर पर है। सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं कुछ कुछ स्कूल के। अब आपने देखना है बेटा 1.5 महीने से कम टाइम है, ठीक है नहीं। मुझे बेटा लापरवाही नहीं चाहिए, जो भी केयरलेस बिहेवियर है अब बेटा बंद कर दो, छुट्टियां बंद कर दो। आपको पता है बेटा अगर आप यहाँ आओगे पढ़ाई तो पक्का हो रही है। अब जब छुट्टियां करते हो ना वो मुझे बहुत परेशान करती है। फिर अगर आप ये कहते हो ना यार मुझे समझ नहीं आ रहा, वो एक जो उंगली आप मेरी तरफ उठाते हो पहले 4 देख लिया अगर वो आपकी तरफ है, आपकी छुट्टी की वजह से समझ नहीं आया होगा, मैं पक्का मानता हूँ इस चीज को। अगर कोई यहाँ आया है ना वो ये जानता है 100% सिलेबस उसके दिमाग में है। चलो जी बाबू, मैं आपको ये आधा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ, नोन एज BR and BP। बेटा एक दिन ये टर्म आई थी और मैंने ना इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर रहा था, आप सामने देखो एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, कुछ बच्चों के लिए नया होगा जिन्होंने छुट्टी ली थी। बिल्कुल सामने देखना, आराम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू। टॉपिक है बिल रिसीवेबल और बेटा बिल्स पेएबल। बेटा बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है और बिल्स पेएबल एक लाइबिलिटी है, क्यों और कैसे मैं समझाता हूँ। मान लो बेटा दो पार्टी हैं, एक पार्टी का नाम है ए, एक पार्टी का नाम है बी। बेटा ए ने ना बी को उधार पर गुड्स बेचा, ये अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा जब उधार पर गुड्स बेचेगा बी को, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट और डेटर को कर दो डेबिट। डेटर कौन है? बी। अब अगर इसने उधार पर बेचा है तो इसने उधार पर खरीदा है ए से, जब इसने उधार पर खरीदा है ये एंट्री क्या करेगा? परचेजेस डेबिट टू ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ए ने ना बी को कॉल करी कि बी मैंने तुझे सामान तो बेच दिया उधार पर 3 महीने के उधार पर मुझे विश्वास नहीं है तू मेरे पैसे देगा, तो एक काम कर कोर्ट आ जा, कोर्ट में साइन करके जा कि तूने मेरे पैसे देने। बी ने कहा भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, तूने जहां बुलाना है बुला ले, मैं साइन कर देता हूँ तेरे पैसे देने। इसने बेटा उसके ऊपर एक बिल लिखा, कोर्ट में एक स्टेटमेंट लिखी कि मैंने फला फला इनवॉइस नंबर से फला फला डेट को इसको 50,000 का सामान बेचा है और हमारे बीच तय हुआ है कि बी 3 महीने के बाद मुझे 50,000 रुपये देगा। बी आया और कोर्ट में साइन करके चला गया रजिस्ट्रार के सामने कि मैंने पैसे देने हैं 50,000 रुपये फला फला इनवॉइस नंबर से फला फला डेट पे, मेरे पास माल आया हुआ है, ठीक है जी। बेटा जिस दिन बी ने इस बिल पर साइन करे बेटा
ए एक जर्नल एंट्री पास करता है नोन एज बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का मतलब है यार बी। बाबू रटवाना नहीं है मुझे कुछ भी, ना मुझे जर्नल एंट्री रटवानी, थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे ही वो बिल साइन हुआ ना, ए ने पता क्या बोला, ये बिल मेरी एसेट है, ये जो कागज का टुकड़ा जिस पर बी के साइन है। अब बी तेरे को देख, मैंने डेटर बना रखा था, डेबिट कर रखा था, एसेट बना रखा था, अब तू मेरी एसेट नहीं है। इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन यही निकलता है, पहले मैंने बी को एसेट बनाया, अब मैंने बी को अपनी बुक से खत्म कर दिया, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट कर दिया, मतलब बुक से खत्म कर दिया। यानी कि बेटा अब मैंने किसको, बाबू पहले बी मेरी एसेट थी, देखो डेटर मेरी एसेट था, मैंने डेबिट किया हुआ था, अब मैंने बेटा जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर दिया, मतलब बुक से खत्म कर दिया। इन दोनों एंट्री का क्रक्स यही निकलता है बेटा, बी आर बिल्स रिसीवेबल अब डेबिट हो गया, मतलब मेरी एसेट में चला गया, सारी एसेट डेबिट तो होती है, मैंने गुड्स बेचे थे, बी आर मेरे पास आ गए। बेटा मैं बी आर को अपनी भाषा में क्या बोलता हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था, मैं बेटा इनको बोलता हूँ सिक्योर्ड डेटर, मेरी भाषा ही है। भैया अगर मैंने किसी को सिर्फ सामान बेचा हुआ है, ये मेरा सिर्फ डेटर है, मुझे नहीं पता है पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, उधार पे सामान बेचा हुआ है, बेईमान कोई भी हो सकता है, परिस्थिति किसी की भी कभी भी बदल सकती है। आज शायद वो करोड़पति अरबपति है, मैंने बिलीफ पर बेटा उसको सामान बेच दिया, परिस्थिति है भाई कभी भी बदल सकती है, उसकी सिचुएशन बदल सकती है यार, तो सब चीजें रब के हाथ में होती हैं, मानते हो ना इस चीज को। लेकिन बेटा अगर मैंने किसी को उधार पर सामान बेचा था, लेकिन कोर्ट अब बीच में आ चुकी है और वो साइन करके जा चुका, उसने मेरे पैसे देने हैं, सर मैं बोल नहीं सकता कि ये मेरे सिक्योर्ड डेटर है, कि यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा हो चुकी है। अब बी आर मेरी भाषा में कुछ और नहीं, सिक्योर्ड डेटर है, ठीक है बाबू। जैसे इसने एक एंट्री पास करी, वैसे ये भी एक एंट्री पास करता है, जैसे ये बिल साइन करके आया, अपनी इसने बुक्स में एक एंट्री पास करी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, मतलब अभी तक इसने बेटा ए को लाइबिलिटी बनाया हुआ था, क्रेडिटर बनाया हुआ था, एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, मतलब ए तो मेरा क्रेडिटर है, तेरे पैसे देने हैं। जैसे ही बिल साइन करा इसने, इसने ए को बुक से खत्म कर दिया, जितना क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट कर दिया, कि ए अब तो मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, अब तो मेरे ऊपर एक नई लाइबिलिटी आ चुकी है जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट, मुझे उस बिल के पैसे देने जिसमें मैं साइन करके आया, ठीक है पुत्र। एंट्री समझ में आती है, मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, 11th क्लास में लास्ट टू लास्ट ईयर एक पूरा चैप्टर होता था बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत डिटेल में डिस्कशन था, अभी ये तो मैं जो बोल रहा हूँ 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं हुआ, 99% और था, बुक से सिलेबस उड़ा दिया भैया CBSE ने, और इसमें आपकी खुशी की कोई बात नहीं है, आपके लिए बहुत गम की बात है, रो, क्योंकि 12th क्लास में ये बहुत बड़े लेवल पे आता है, अब छोटा लेवल पढ़ा नहीं, बड़ा लेवल पढ़ना है, वहाँ टीचर के साथ भी समस्या और बच्चे के साथ भी समस्या, और अगर टाइम बचेगा इसी साल ये चैप्टर मैं खुद कराऊंगा आपको। भाई देखो टेंशन तो देनी है, किसी एक साल झेलनी है, आसान है अभी झेल लेंगे, 11th थोड़ी ज़्यादा बच्चों वाली है। चलो जी लोग उत्तर स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। बेटा 18th जनवरी तक की मैंने एंट्री कर ली थी, आप सब सामने देखेंगे, पहले तीन एंट्री हम डिस्कस करेंगे, फिर आप बेटा उसकी पोस्टिंग करेंगे। जो बच्चे कल एब्सेंट थे मैं उनकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बेटा हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम सभी सब्सिडरी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और जर्नल एंट्रीज, मतलब जर्नल प्रॉपर, 6 की 6 बुक साथ चल रही हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको लगेगा मैंने कैश बुक भी रिवाइज कर लिया और पूरा सब्सिडरी बुक चैप्टर रिवाइज कर लिया। मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा एक्स्ट्रा जब मैं रिविजन कराऊंगा, अब मैं हर चैप्टर से कराऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है जी, वो मैं थोड़े हायर लेवल के कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं बाबू, जर्नल एंट्री जनवरी 18 पढ़ो जी, कहता है पेड फॉर वेजेस 500 एंड फॉर स्टेशनरी 200। बाबू सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, वेजेस डेबिट, स्टेशनरी डेबिट टू कैश, कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे बाय साइड, ठीक है, इसके तो कोई टेंशन ही नहीं, आगे बढ़ाओ। जनवरी 20 रिसीव द चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम सेन एंड कंपनी, द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहले तो याद ही करना बहुत मुश्किल है भैया, कहाँ टर्म पड़ी थी,
बाबू आपने सामान बेचा था, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया था सेन एंड कंपनी को, कहते हैं आज उससे चेक आ गया और आज ही बैंक में जमा कर दिया। वृंदा जी एंट्री क्या करेंगे बाबू? बाबू एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी, बैंक का नाम आ रहा है, कैशबुक में रिकॉर्ड कर दो क्योंकि मैं कैशबुक दोनों कॉलम वाली बना रहा हूँ, कैश और बैंक कॉलम। तो बाबू बैंक में चला जाएगा डेबिट साइड पर टू सेन एंड कंपनी, कितना अमाउंट है 10,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक आज की दोनों ट्रांजेक्शन कैशबुक में गई है, ठीक है जी आगे बढ़ जाए। बाबू कहते हैं परचेज फ्रॉम विजय एंड कंपनी 20 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 800 ईच, 5 टिन्स ऑफ कॉफी एट द रेट 500 ईच, सिंपल ट्रांजेक्शन है। प्रणित कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे इसको? जनवरी 21 परचेज बुक। बाबू परचेज किया विजय एंड कंपनी से, कोई ऐसा हिंट नहीं है कि कैश परचेज किया है, सिर्फ नाम है तो बाबू उधार है और उधार परचेज तो जाती है परचेज बुक में, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 800 16,000 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 500 2,500 18,500 की परचेज है। कैसे लिखते हैं परचेज बुक में सबको पता है, पहले पार्टी का नाम अंडरलाइन करते हैं फिर बाकी जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो डिटेल कॉलम देन टोटल, सिंपल। तीन ट्रांजेक्शन डिस्कस हो गई, एक आध और कर लेते हैं आज, अब वो चार चार करके कर लेते हैं। अगली एंट्री पढ़ो, टू चेस्ट ऑफ टी कॉस्टिंग 700 ईच वर टेकन बाय मिस्टर एस कुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। बाबू एस कुमार वही इंसान है जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, कुमार ब्रोस, दो भाई होंगे तीन भाई होंगे एक बंदा है उसमें एस कुमार। कहता हुआ क्या, एस कुमार ने टू चेस्ट ऑफ टी 700 ईच यानी कि 1400 रुपए की ड्रॉइंग्स कर ली, और ड्रॉइंग्स भी किसमें कर ली, गुड्स में कर ली, कैश नहीं करी, गुड्स में ड्रॉइंग कर ली है बेटा। सात्विक क्या एंट्री होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करूं? जर्नल प्रॉपर, ठीक है। चार पता लग गई, फटाफट से चार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो फिर आगे बढ़ाते हैं। जो आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा, 24th of January बस सब बिल्कुल चुप। Returned to Vijay and Company two chest of tea and one tin of coffee. अब आपने return कर दिया Vijay and Company को दो chest tea के और one tin coffee का। बेटा Vijay and Company अभी एक transaction पहले ही आई थी जिससे आपने goods purchase करे थे, जब purchase करे थे उधार पर तो purchase book में record किया था। शिवम भाई इसको कौन सी book में record करना चाहिए? जर्नल प्रॉपर, कह रहे जर्नल प्रॉपर। बाबू कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए? परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों नहीं दिया गया इसमें प्राइस? भाई जब जिस रेट पे खरीदा होगा वापसी भी तो उसी रेट पे जाएगा, क्यों देगा वो प्राइस तुम्हें? बेटा टी का प्राइस 800 परचेस टी रहेगा और कॉफी का दाम बाबू 500 पट्टी नहीं रहेगा, ठीक है जी। परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे सबसे पहले पार्टी का नाम, उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब डिटेल कॉलम में कर दोगे, ठीक है जी। जैसे हम करते थे आगे बढ़ाते हैं बात को। अगली दो ट्रांजैक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की पावर एन, अब समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट है। 25th of January एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम। बाबू कहता है आपने एक्सेप्टेंस दे दी है विजय एंड कंपनी को 2 महीने की जो अमाउंट ड्यू है। पहले तो ये सोचो अमाउंट कितना ड्यू है, मेरी तरफ देखना प्लीज, और फिर मैं बताता हूं एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। बेटा 20 चेस्ट ऑफ टी 800 ईच और 5 टिन ऑफ कॉफी 500 ईच, हमने पैसे देने थे 18,500 रुपए, 16,000 इसके और 2,500 इसके, 18,500 रुपए। दो चेस्ट टीके और 1 टिन कॉफी का वापसी भेज दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 800 1,600 और 500 का 1 टिन 2,100, ये वापसी भेज दिया बेटा, यानी कि 16,400 आज भी आपने देने हैं, आज भी देने हैं। अच्छा विजय एंड कंपनी कायदे से हमारा डेटर है या क्रेडिटर? फिर बताओ डेटर और क्रेडिटर? राइटर, परचेस किया हुआ हमने गुड्स, क्रेडिटर है हमारा, पैसे वापस देने हैं उसको। बाबू कहता है
आज आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दी उसके 2 महीने की कि 2 महीने बाद आप पैसे दोगे। ये एक्सेप्टेंस कुछ और नहीं, बिल्कुल साइन कराए हो आप उसके। उसने फोन करा, भाई हमें तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं, कोटा साइन करके जा, पर आप कोर्ट गए, एक्सेप्टेंस दे आए हो कि 2 महीने के बाद मैं पैसे दूंगा। और जिस दिन आप एक्सेप्टेंस दे आते हो, पता है क्या एंट्री करते हो? अभी मैंने वैसे दिखाया था करके, उस दिन आप एंट्री करते हो क्रेडिटर टू बिल्स पेपर। जिस दिन बिल साइन करके आते हो, एक नई लाइबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, क्रेडिटर बुक से खत्म हो जाते हैं। यानी कि आप एंट्री करोगे विजय एंड कंपनी डेबिट टू बिल्स पेबल। अब वो जब जर्नल एंट्री आपने सोची विजय एंड कंपनी टू बिल्स पेबल, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर और कहीं जगह ही है रिकॉर्ड करने की। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? अब अच्छे से समझ में आएंगे ये बात बाबू। नेक्स्ट वन सेम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बढ़िया। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम सेन एंड कंपनी फॉर 2200 फॉर 30 डेज। इस बार एक्सेप्टेंस हमने दीनी, हमें मिली है सेन एंड कंपनी से, एक्सेप्टेंस मिली है कि 2200 रुपये 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे आपके। सर समझदार को इशारा काफी। सेन एंड कंपनी था क्या? डेटर था, अगर आपने ढंग से देखा हो तो। बाबू हमने सामान बेचा हुआ है सेन एंड कंपनी को, कल करी थी हमने ट्रांजेक्शन, करी थी ना ट्रांजेक्शन, अभी 10,000 रुपये का चेक भी आया था सेन एंड कंपनी का हमारे पास, ठीक है ना। 2200 रुपये की एक्सेप्टेंस आ चुकी है। बाबू मेरा डेटर था, आप समझ गए होंगे, मैंने फ़ोन मिलाया होगा, जा बिल साइन करके जा कोर्ट में, उसने बिल साइन करा, मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई कि 30 दिन में मेरे पैसे आ जाएंगे। जिस दिन एक्सेप्टेंस मिल जाती है, एंट्री क्या करता हूँ सबको पता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी कि BR अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी करूँगा। अगेन ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करूँ, कौन सी बुक? जनरल प्रॉपर। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गई दोनों ट्रांजेक्शन? इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही थी, ठीक है बाबू। पहले ये 3 ट्रांजेक्शन कर लो, फिर करते हैं अगली 2, फटाफट से स्पीड बढ़ाकर करता हूँ। अगर अभी ना लोग उत्तर, बेटा आखिरी की दोनों ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं और पैक करते हैं चैप्टर भी। कहता है विड्रियो फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4000 एंड फॉर ऑफिस यूज 6000, एंट्री क्या होगी खुशी? बाबू एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स के सामने 4000, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के सामने 6000, तो बैंक 10000। बाबू ड्रॉइंग्स डेबिट 4000, कैश डेबिट 6000, तो बैंक 10000। पुत्र अगर आराम से सोच पा रहे हो तो बेटा ये समझ जाना कि 6000 रुपये की कॉन्ट्रा एंट्री है। 4000 भाई ये तो कम पे कर दी मैंने, अगर मैं अलग अलग करता तो एंट्री क्या करता? ड्रॉइंग्स टू बैंक 4000, ये तो कॉम्बो नहीं है, और कैश टू बैंक 6000, दिखाई दे रहा कॉम्बो है। तो बेटा कंबाइंड कर लो, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री भी है, साथ साथ एडजस्ट कर दो। LF के कॉलम में दोनों तरफ सी लिखना मत भूलना, 6000 के एक्सटेंट तक, 4000 कॉन्ट्रा नहीं है। मैं पोस्ट करके दिखाऊं क्या कैसे करेंगे? हाँ अब थोड़ा सा दिक्कत सी महसूस थी। लो जी बाबू, मान लो आपने ये कैश बुक का फॉर्मेट बनाया हुआ है, डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक कॉलम। लो मैं कैश और बैंक कॉलम के ऊपर तो लिख ही देता हूँ, बैंक कैश LF डेट और पर्टिकुलर। इधर देखना एंट्री क्या हुई है, ड्रॉइंग्स डेबिट कैश डेबिट टू बैंक। पहले बैंक के बारे में सोचते हैं, बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, मैंने लिखा होगा बाय ड्रॉइंग्स। 4000 का तो हिसाब किताब निपटाई दो, पहले ड्रॉइंग्स वाला हिसाब किताब निपटेगा। अब वो एंट्री हुई है कैश टू बैंक 6000 भी। अब वो दोनों तरफ पोस्ट होना है, कैश में भी बैंक में भी, मैं तो दोनों का ही अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। कैश के बारे में सोचना है पहले, कैश के बारे में सोच लो, बैंक के बारे में सोचना है बैंक के बारे में। कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा, कैश कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड की होगी। बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा, बैंक कॉलम में एंट्री की होगी। और बाबू कॉन्ट्रा है तो लिखना मत बोलना, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
बाबू लास्ट ट्रांजेक्शन कहता है पेड रेंट बाय चेक, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। रेंट टू बैंक, बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, आपने लिखा होगा बाय रेंट और बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया होगा 4000। ठीक है जी, फटाफट से रिकॉर्ड करो, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।